मित्रों नमस्कार। मैं मेजर सुनील द्विवेदी, विधायक फर्रुखाबाद, अपनी बात एपिसोड 8 में आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे, परसों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बीता है और जिस पर पूरे विश्व में महिलाओं के मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि सन 1913 के बाद से ही महिलाओं के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। जब ये शुरू किया गया था तब तो ये विचार था कि महिलाएं मतदान करें आकर, इस निमित्त ये शुरू किया गया था। लेकिन आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये मनाया जाता है, महिलाओं की प्रतिष्ठा में, उनकी महिमा में, उनके मान में, उनके सम्मान में। आप जानते ही हैं मित्रों कि महिलाएं विश्व की या देश की या प्रदेश की या जिले की या अपने गांव की आधी आबादी को कंसिस्ट करती हैं। आधे में पुरुष हैं और आधे में महिलाएं, और इसीलिए हमारे भारतवर्ष में यह कहा गया है कि जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होता तब तक कोई भी संस्कृति आगे नहीं बढ़ती है। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया कि यत्र नारस्त्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है देवताओं का निवास भी वहीं होता है। अगर वैदिक काल से देखें तो ऋग्वेद की ऋचाओं में जो वैवाहिक सप्तपदी आती है उसको सावित्री जी ने ही लिखा था। गार्गी, मांडवी, ऐसे कितनी भी विद्वान महिलाएं रही हैं जो जब शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करती थी तो एक पे एक हाथ हुआ करते थे। सावित्री सत्यवान को कौन नहीं जानता। सत्युग से देखे, त्रेता पे आए, सीता जी की महिमा कौन नहीं जानता। द्वापर में माता कुंती के बारे में वर्णन क्या किया जाए। आज के भी युग में महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है और इसीलिए हम सब उनके बहुत ऋणी हैं। उनके मान सम्मान में, उनके प्रतिष्ठा में हम चार चांद लगाना चाहते हैं। मित्रों, व्यक्ति का जीवन कभी पूर्ण नहीं होता जब तक महिला उसके साथ ना हो। कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई महिला होती है। अगर रत्नावली ना होती तो राम बोला तुलसीदास भी हमारे साथ नहीं। आज के युग में महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। आज के युग में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ चल रही हैं। केंद्र की सरकार, हमारी मोदी जी की सरकार, जो योजनाएं लेकर आई है उससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है, उनका मान सम्मान बढ़ा है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो जिसमें गैस घर घर गई है, चाहे वह सुकन्या समृद्धि योजना हो जिससे बिटिया की शादी के लिए पैसे हम इकट्ठे करते हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे मातृत्व अवकाश योजना हो जिसके माध्यम से आज जब मैटरनिटी लीव 12 महीने दी जाती थी महिला को, आज 24 महीने दी जा रही है, चाहे केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजना हो, जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप हो, स्टैंडअप हो जिसमें महिलाएं निकलकर सामने आ रही हैं, या प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं लॉन्च की हैं, जैसे रक्षाबंधन पर एक विशेष बस चलाई गई, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो दल का गठन किया गया, ये महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने का ही एक प्रयास है। और मुझे बड़ी खुशी है कि महिलाओं में आत्मसम्मान बढ़ रहा है। आज आप देखिए अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, बुला चौधरी ने तैराकी के रिकॉर्ड पार किए हैं, मिताली राज ने क्रिकेट में 6,000 रन बनाकर और विश्व कप में पहुंचाकर झंडे गाड़े हैं। ऐसी बहुत सी महिलाओं के विषय में अगर आप पढ़ें, एक महिला के विषय में पढ़ रहा था जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की निवासी थी लेकिन डिप्रेशन की शिकार थी, वो बंगाल में गई वहां पर इलाज कराने के लिए, उसके मायके वालों ने छोड़ दिया, उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया, लेकिन उसने वहां इलाज कराया। 4 वर्ष डिप्रेशन का इलाज करने के बाद, वहां बंगाल की भाषा सीखने के बाद, आज वो महिला अपने पैरों पर खड़ी है और वहां की संस्कृति में ढल गई है, बंगला अच्छा बोलती है, अपने लिए 4 पैसे कमा रही है। एक महिला के विषय में मैं और पढ़ रहा था जिसकी एक टांग एक्सीडेंट में टूट गई, लेकिन वो महिला ने दम रखी और अपनी एक टांग डेढ़ टांग के बल पर ही एवरेस्ट की चोटी लांघी। ये कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं, ये जो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रेरणा देते हैं हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को, हमारी भाभियों को। आज हमारा जीवन तब तक पूर्ण नहीं है जब तक हमारे घर में कोई दादी ना हो, नानी ना हो, चाची ना हो, मौसी ना हो, मामी ना हो, या माँ ना हो, या बेटी ना हो, या पत्नी ना हो। हर पुरुष के पीछे कहीं ना कहीं
एक महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है उसको चरमोत्कर्ष में पहुंचाने के लिए। आज हम बेटी और बेटे में फर्क नहीं कर सकते, ना ही हमें करना चाहिए। मैं आपको अपना उदाहरण दूं, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास भगवान ने दो बेटे दिए हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो बेटियां हैं वो अपने घर वालों का, अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छे से उन्हें रखती हैं, और इसीलिए मैं कभी ये फर्क नहीं करता कि मेरे एक बेटी है एक बेटा है। जो सुविधाएं बेटे को देता हूं वही सुविधाएं मैं अपनी बेटी को देता हूं, और मुझे बड़ा फक्र बड़ा गर्व महसूस होता है कि भगवान ने मुझे एक बेटी दी है। मित्रों, मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप नारियों के सम्मान में आगे आए, उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में आगे आए। हम लोग सब मिलकर एक सार्थक एक सुरुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण करें। नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या है? नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि हम नारियों को महिलाओं को समान अवसर प्रदान करें, वो हमारे साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चल पड़े। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उद्योग लग रहे हैं उसमें 40% नौकरियां महिलाएं पा रही हैं। आप देखते होंगे पुलिस कांस्टेबल के रूप में, आप देखते होंगे थल सेना में महिलाएं जा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, नेवी में जा रही हैं। आज महिला सिर्फ चौके चूल्हे तक सीमित नहीं है, महिला अपनी जिम्मेदारी अपने घर की तो निभाती ही है, लेकिन बाहर भी जहां बात आती है वो सामने डटकर खड़ी होती है, पुरुषों के लिए प्रेरणा बनती है, हम सबके लिए प्रेरणा बनती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो परसों बीता है, मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में सारी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, उनके सम्मान करता हूँ, उनकी प्रतिष्ठा उनकी महिमा का वर्णन करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने विधायक के रूप में कुछ छोटा सा प्रयास एक किया है, और वो प्रयास ये किया है कि जहां पर फर्रुखाबाद में विधानसभा में जहां नगर में इस प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां हमारी बेटियां पढ़ने जाती हैं, इस प्रकार के विद्यालय हैं जहां पर इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज में बेटियां पढ़ने जाती हैं, या ऐसे मंदिर हैं जहां पर हमारी माताएं बहनें पूजा अर्चना करने जाती हैं, या ऐसे स्थान है जहां पर वो मार्केटिंग करने जाती हैं महिलाओं के सामान। अपनी विधायक निधि से ऐसे स्थानों पर जहां महिलाएं जाती हैं, जैसे बाजार हो गए, मार्केट जहां पर वो खरीदने जाती हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करने जाती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारी बेटियां पढ़ने जाती हैं, गर्ल्स इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, ऐसे स्थानों पर वहां पर मैं सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहा हूँ, जिससे महिलाओं में बेटियों में बहनों में हमारी भतीजियों में आत्मविश्वास जागे, उनके मान सम्मान में कोई आँच ना आए। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारी बेटियां हैं बहनें हैं माताएं हैं उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या होती है तो 9415146477 94-151-46-477 पर आप अपने भाई से मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कर सकती हैं। और अगर फेसबुक पे आना चाहें तो फेसबुक पे भी मैसेंजर पर मुझे मैसेज कर सकती हैं। मैं अपने सभी मित्रों को जो ये देख रहे हैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि महिलाओं के मान सम्मान में उनका जो योगदान हमारे प्रति रहा है, चाहे वो माँ के रूप में रहा हो जो हमेशा खाने के लिए चिंतित रहती है कि बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, चाहे वो पत्नी के रूप में रहा हो, चाहे वो बुजुर्ग नानी दादी के रूप में रहा हो या छोटी बेटी के रूप में रहा हो, उनके सम्मान में मैं चाहता हूँ, कल रविवार है छुट्टी का दिन है, आप सभी लोग अपने मोबाइल कैमरे से एक ना एक अपने घर की किसी महिला के साथ फोटो खींचे, चाहे अपनी माँ के साथ, चाहे अपनी बहन के साथ, चाहे अपनी पत्नी के साथ या किसी भी अन्य दादी के साथ नानी के साथ, और फेसबुक पर अपलोड करें। इससे एक संदेश जाएगा कि हम सब लोग महिलाओं के सम्मान में एकजुट हैं, हम सब लोग उनके योगदान को प्रणाम करते हैं, हम सब लोग उनकी मान प्रतिष्ठा में चार चांद लगाना चाहते हैं और एक इक्वालिटी का वातावरण बनाने चाहते हैं, हम उन्हें समान अवसर प्रदान करना चाहते हैं। हम हाथ में हाथ कंधे से कंधा और कदम से कदम चलाकर मिलाकर अपनी बहन से अपनी बेटियों से अपनी माओ से के साथ चलना चाहते हैं, ये एक संदेश जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सभी लोगों से जो ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं कि कल रविवार को फेसबुक पर अपनी सेल्फी, सेल्फी विद डॉटर या सेल्फी विद मदर या सेल्फी विद सिस्टर या सेल्फी विद ग्रैंडमा या सेल्फी विद एनी अदर लेडी, इफ यू कैन पोस्ट इट आउट, जस्ट पोस्ट इट आउट ऑन योर फेसबुक लाइव ऑन योर फेसबुक टुमारो। पूरे फेसबुक पर यह भरा होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने
सेल्फी खिंचाकर महिलाओं का सम्मान करने का प्रयास किया है। आज के दिन बस इस विषय पर इतना ही। अब मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूं कि अनु शुक्ला इज वॉचिंग, विमल कटियार जो हमारे जिले के महामंत्री हैं उन्होंने भी कमेंट किया है, और सौरभ कुशवाहा ने भी कमेंट किया है, दादा कभी टाइम मिले तो हमसे भी बात करना। ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि अच्छी कोशिश है। शैलेंद्र सिंह राठौर ने लिखा है SKS, यानी शायद अपना नाम का एब्रिविएशन लिखा है। चेतन कटियार ये दिल्ली से वॉच कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय से। अनुराग तिवारी हैं, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। प्रबल त्रिपाठी हैं, जय योगी जय मेजर। स्वदेश द्विवेदी राष्ट्रवादी हैं, दादा आपने गौरवान्वित करने का कार्य किया है। सौरभ शुक्ला है, थैंक यू दादा। विकास कुमार फरुखाबाद से वॉच कर रहे हैं। एडवोकेट मनीष है, दीपक कुमार है, मनोज शुक्ला है, रिंकू दुबे है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। अर्पित कटियार है, और इंजीनियर विजय सिंह चौहान है, सत्येंद्र पालीवाल हैं, प्रकाश माया हैं, ऐसे बहुत से आप लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। मित्रों, आपके कमेंट करते रहने से, आपकी टिप्पणियों से मेरा मनोबल बढ़ता है, और ये निश्चित रूप से मानिए आपके जो कमेंट्स आते हैं उस पर मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन प्रयास मेरा सफलता पाएगा, प्रयास मेरा सार्थक होगा। कुछ लोग सड़कों के बारे में लिखते हैं, कुछ लोग पानी की प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ लोग आवारा जानवरों की प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ जाम की प्रॉब्लम बताते हैं। कहीं ना कहीं किसी किसी स्तर पर मैं इसमें काम कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आप इसी तरह से मुझसे कनेक्टेड रहिए, इसी प्रकार से हमारा आपके बीच एक रिश्ता कायम रहे, एक संवाद कायम रहे। मैं सिर्फ आपका प्रतिनिधि हूँ, मैं कोई विधायक नहीं हूँ। मेरी जगह आप भी विधानसभा जा सकते थे, ईश्वर ने, प्रभु ने, हमारी पार्टी ने मुझे आपका प्रतिनिधित्व करने विधानसभा भेजा है। हमारे बीच में कोई संकोच की रेखा नहीं होनी चाहिए। जो मैं हूँ वो आप हैं, जो आप हैं वो मैं हूँ। इसी प्रकार से हम लोग कम्युनिकेट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।